headphone for best experience. Hello guys, आज हम बात करेंगे हमारे spiritual truth के बारे में. So welcome superhumans in 1% club. Let's be know something beyond because you are infinite. Friend, actually में हमारे वेदास और हमारे धर्म की किताबों में बहुत सारी important जानकारियाँ लिखी गई हैं. चाहे वह भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो. बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो जानकारी उसमें लिखी होती हैं बहुत ही संक्षिप्त में लिखी होती हैं, और अगर हम समझते भी हैं तो उसे अपने बाहर की दुनिया से ही रिलेट करते हैं. यानी जो आपके मटेरियल वर्ल्ड में चलता है उसी से आप उसको रिलेट करते हैं, और वही चीज़ हमें नासमझ बना देती है, क्योंकि यह चीज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है, ना कि मटेरियल वर्ल्ड की. और अगर इसे आपको अगर समझना है, असल में समझना है, तो आपको दुनिया की सारी चीज़ों को साइड में रखकर उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और तब इस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं. आप लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन गाइज अगर दुनिया में कोई भी ऐसा किताब है जो आपको आपके बारे में बता सकती है, तो वह आपके धर्म से, वेद और पुराणों से बेहतर कोई किताबें नहीं होंगी. और अगर आप इतने सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, अगर आप हिंदू हो तो आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, अगर आप मुस्लिम हो तो कुरान पढ़ सकते हो, और आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल पढ़ सकते हो. और उसी तरह हर धर्म यानी हर रिलीजन के लोग अपने अपने पवित्र ग्रंथों को पढ़ सकते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि आप सभी ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हैं. आप अगर हिंदू हो तो आप कुरान भी पढ़ सकते हो, अगर आप मुस्लिम हो तो भगवद गीता भी पढ़ सकते हो. यह हमें दुनिया अलग बनाती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड या धर्म अलग नहीं बनाती है. क्योंकि किसी भी धर्म में आप ये नहीं पाओगे कि ये धर्म बुरा है या दूसरा धर्म बुरा है. हर धर्म में सिर्फ इंसानियत और आपके अच्छाई के बारे में बताया जाता है, और हम शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में चले जाते हैं अपने धर्म गुरु के पास. और इस समय 100% में 90% आपके जो धर्म गुरु हैं वह फेक होते हैं, ढोंगी होते हैं. क्योंकि कोई भी धर्म गुरु अपने विद्या के बदले में आपसे कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन अब ऐसा कहाँ होता है. और गाइज सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं कि हम लोग धर्म की बुकों को ये समझते हैं कि लोग बुढ़े होने के बाद उसको पढ़ना चाहिए. कोई यंग लड़का, 20-25 साल का लड़का शायद ही आपको मिलेगा जो अपने धर्म की किताबों को पढ़ता हो, स्पेशली हिंदुओं में. और ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अगर इसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो पंडितों से सुनते हैं, अपने धर्म गुरुओं से सुनते हैं, और वो हमें बताते हैं कि कई जगह पर जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो. और इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग धर्म को एकदम बेकार समझने लगते हैं, और हमारा इंटरेस्ट एकदम से यहाँ से हट जाता है. लेकिन अगर आप किसी भी धर्म की बुक को थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता है, और ईश्वर एक ही है, और ब्रह्मांड की हर चीज ईश्वर है और ईश्वर में ही है, और ईश्वर से ही बना है. ईश्वर न हमसे अलग है, न हम ईश्वर से अलग हैं. दुनिया की अंतिम सच्चाई आत्मा है, और आत्मा ही ईश्वर है. बहुत बड़ी बात है ये. अगर आपके सबसे करीब कोई है तो वह ईश्वर ही है. तो हमें क्या जरूरत है इन ढोंगी धर्म गुरुओं के पास जाने के लिए? मैं ये नहीं कहता हूँ धर्म गुरुओं की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है सच्चे धर्म गुरुओं की, ढोंगी धर्म गुरुओं की नहीं. और अगर धर्म गुरु नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आपको धर्म की किताबें तो जरूर मिल जाएंगी, और अगर वो मिल गई तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस उसको समझने का प्रयास करना है. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर धर्म गुरु ढोंगी होता है, लेकिन असल धर्म गुरु परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं. और गाइज मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इन सब मेरी बातों को आँख बंद कर विश्वास कर लीजिए. आप इन सब सारी सच्चाइयों को अपने धर्म बुक में, अपने धर्म के ग्रंथों में पढ़कर देख सकते हो,
क्योंकि गाइस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बचपन से ही इन सब चीज़ों को इसी तरह देखते चले आए हैं और हम इन्हीं सब चीज़ों पे अपना बिलीव बना चुके हैं और हम हर चीज़ों को ऐसा ही समझते हैं जैसा हम लोग को बताया जाता है। तो ज़रूरी है उसको सही करने की। अगर मैं अपनी बातों को एक लाइन में कहूँ तो ये है कि हमें अपने बारे में जानने को किसी बुक में मिल सकता है तो हमारे धर्म की किताबें हैं, और उसे जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ना धर्म गुरु के पास जाना है, ना पूजा पाठ दर्शन करना है। और अगर असल सच्चाई जाननी है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म किताबों को पढ़ो, और जितना ज़्यादा समझ सकोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और गाइज अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो हमें जाननी है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको अगर इसी तरह दुनिया से कुछ अलग जानना और सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर जॉइनिंग सुपर ह्यूमन 1% क्लब, ओनली फॉर सुपर ह्यूमन्स एट यूट्यूब चैनल ब्रांड्स वगैरह। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।